खाना खिलाना .com में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शालिनी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें सेहत भी है और स्वाद भी है। और ये रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं एयर फ्रायर में। तो आज हम बनाएंगे राजमा के गलौटी कबाब, वो भी बहुत कम ऑयल में और वो भी अपने एयर फ्रायर में। तो मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे आज की रेसिपी देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज ला सकूं, जो टेस्टी भी हो और स्वास्थ्यवर्धक भी हो। चैनल बनाए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। राजमा के गलौटी कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप उबले हुए राजमा। इसे मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा था और उसके बाद प्रेशर कुकर में 6 सीटी लगाकर इसको मैंने उबाल लिया है। तो सबसे पहले इस राजमा को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा पेस्ट बना लेंगे। चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। और इसको पीसने के लिए हम इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे। राजमा को हमने अच्छे से पीस लिया है और देखिए इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, कुछ इस तरह से। और अब इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। राजमा को हमने बहुत बारीक सा पीस लिया है और देखिए इसका कितना फाइन पेस्ट बना है। और ऐसा ही पेस्ट हमको चाहिए गलौटी कबाब के लिए। तो चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हमने फिर से एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें डालेंगे 12 पीस काजू के, जिनको मैंने भिगो के रखा था, 2 बड़े चम्मच तली हुई प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, लहसुन की 6 कलियां, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच डालेंगे रोज पेटल्स, ये आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो डालेंगे आप 1 छोटी चम्मच। और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच केवड़ा। यहाँ पर हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसे मैंने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है, अब बिल्कुल भी इसमें पानी का यूज़ नहीं हुआ है, देखिए। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अब पिसे हुए मसाले को मिलाएंगे हम राजमा के पेस्ट में, साथ में डालेंगे 1/4 कप बेसन। हम इसमें बेसन ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं गलौटी कबाब और वो होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट। अगर हम बेसन ज्यादा कर देते हैं तो वो बन जाएंगे कटलेट जैसे, तो हमें इनको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, इसलिए इसमें ज्यादा बेसन का यूज नहीं करेंगे। अब कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप इसे जितना चाहें स्पाइसी बना सकते हैं। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक। और अब इसमें डालेंगे जायफल का पाउडर, तो मैं जायफल को इसमें थोड़ा सा हम इसमें घिसेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही यूज़ करना है। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी और फिर से सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कबाब का मिक्स हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब इसके कबाब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एयर फ्रायर को कर लेते हैं ऑन और इसको रखते हैं प्रीहीट करने के लिए। तो अब हमने अपने एयर फ्रायर को प्रीहीट करना है और हमने इसको रखा है 5 मिनट के लिए 195 टेम्परेचर पर। जब तक एयर फ्रायर हमारा प्रीहीट हो रहा है, चलिए इसकी ट्रे को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। और इस पर हम अपने कबाब रख देते हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और थोड़ा सा हम इससे पोर्शन लेंगे। जितने बड़े आपको कबाब बनाने हैं उसके हिसाब से आप इसका पोर्शन लीजिए। हल्का सा हाथों पर ही इसको फैला लीजिए और इसको हम कबाब की शेप देंगे।
हमने अपने कबाब इस पर रख दिए हैं। एयर फ्रायर में बना रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, बस हल्का सा हम इसको बस ग्रीस कर देंगे। और आप अगर नहीं पसंद करते तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। एयर फ्रायर हमारा प्री हीट हो गया है, चलिए अब इस ट्रे को एयर फ्रायर में डाल देते हैं। अब हम इसको 195 पर 30 मिनट्स के लिए रखेंगे और बीच में लेकिन चेक करते रहेंगे इसे। दस मिनट हो गए हैं, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। अभी देखिए कुछ इस तरह का सिककर आया है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर इसमें आ गया है। अभी हम इसको फिर से और रखेंगे, लेकिन अब इसको हम पहले पलट लेते हैं। ये कितने बढ़िया हमारे कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं, गोल्डन कलर इसमें आना शुरू हो गया है। फिर से वापस रख देंगे। कबाब को कुक होने में 10 मिनट और रह गए हैं, चलिए पहले उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप टेम्परेचर को थोड़ा अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया है। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है, दोनों तरफ से परफेक्ट कलर है इसका, गोल्डन कलर आया है और हमारे कबाब बनकर परफेक्टली तैयार हो गए हैं। हमने इसको 30 मिनट्स का टाइम दिया था लेकिन ये 20 मिनट्स में तैयार हो गए हैं। तो इसको आप थोड़ा सा बीच बीच में चेक करके इसका टेम्परेचर और इसका टाइम थोड़ा सा आप देखते रहिएगा, आप इसे अपने हिसाब से ऊपर नीचे करते रहिएगा। हमारे गलौटी कबाब एयर फ्रायर में बहुत ही बढ़िया बने हैं और देखिए कितना इनका बढ़िया से इनका कलर आया है और बहुत ही कम हमने इसमें तेल का यूज़ किया है। चलिए इनको गर्मा गर्म अब सर्व करते हैं। लीजिए हमारे राजमा के गलौटी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और मैंने इसको सर्व किया है मिंट की चटनी के साथ। आप इसे सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ या दही के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज की इस रेसिपी में सेहत भी है और स्वाद भी है, और स्वाद इसका बहुत ही बेमिसाल है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप हमारी ये मज़ेदार रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।